इन दिनों युवाओं में सेल्फी का क्रेज काफी बढ़ रहा है। युवतियां झरने के किनारे या नदी के बहाव के पास बैठकर सेल्फी लेने में मशगूल हैं। उनके इस कदम से कई बार बड़े हादसे हो जाते हैं और जान से हाथ धोना पड़ता है। महाराष्ट्र के कई शहरों में लगातार भारी बारिश शुरू है। नांदेड़ जिले के इस्लापुर में सहस्त्रकुंड झरना खतरे के निशान से ऊपर जा चुका है, इसलिए जलप्रपात की इस मनमोहक सुंदरता को देखने के लिए पर्यटकों की भारी भीड़ पहुंच रही है। जबकि कुछ अति उत्साही पर्यटक नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए सेल्फी लेने के लिए झरने के खतरनाक और प्रतिबंधित स्थानों पर जाकर मौत को आमंत्रित कर रहे हैं। इस जगह पर कई बार दुर्घटनाएं हो चुकी हैं और कई लोगों की इस झील में जान चली गई है। इसलिए जब पर्यटक ऐसी खतरनाक जगहों पर जाते हैं और ऐसी हरकतें करते हैं तो यहाँ कोई सख्त सुरक्षा क्यों नहीं है? बुद्धिमान पर्यटकों द्वारा ये सवाल उठाया जा रहा है। झरने के रूप में पानी गिरता है जिससे यहाँ का दृश्य काफी आकर्षित करने वाला होता है, पर यहाँ पर कई हादसे भी हो चुके हैं जिनमें अनगिनत जाने जा चुकी हैं। झरने में नहाते हुए मौत के मुंह में मस्ती और सेल्फीबाजी करते देखे गए हैं, जो कि कभी भी किसी बड़े हादसे का कारण बन सकता है। इधर पर्यटन में आने की बहुत भीड़ रहती है, संडे को बहुत भीड़ रहती है। पर्यटन को देख देखने के नांदेड़ से मुंबई से लोग इधर आते हैं। पर्यटन एक नंबर है इधर, और भी कुछ शासन इधर पाठपुरा करके पर्यटन स्थल बढ़ा रहे हैं। हाँ, नीचे जाते हैं, बोला हम इन्हें घर को बोले सेल्फी निकालते धोखादायक है, धोखे में है लोग, हर साल दो तीन जना मरते हैं।